तो कैसे आज वीडियो में हम देख लेंगे एक पैरोडी वीडियो। तो तुमने कैसे कभी लगा अभी तो प्लान किया होगा अपने दोस्तों के साथ कि गोवा जाऊँ, मनाली जाऊँ, उनके साथ ट्रिप पे फन करूँ काफी सारा, या फैमिली के साथ तुम कहीं गए भी होगे या फैमिली के साथ सोचा होगा कहीं ना कहीं ट्रिप पे जाऊँ। तो कैसे आज वीडियो में हम देख लेंगे एवरी इंडियन ट्रिप एवर योर टैप चैनल पे। तो प्लीज चेक जाके भाई को सपोर्ट दिखाना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा चैनल का। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, चलेगा वीडियो को बहुत मजा आएगा वीडियो देखने में। मतलब एक साल पहले मैं और मेरे ऑनलाइन दोस्त रोज की तरह किसी फालतू चीज पे आर्ग्यूमेंट कर रहे होते हैं कि क्यों हाथी कूद नहीं सकते और कैसे अगर तुम कंबल से पैर बाहर निकाल के सोते हो तो कोई मॉन्स्टर या चुड़ैल आके तुम्हें कच्चा चबा जाएगी, पर अगर तुम पैर अंदर करके सोते हो तो तुम्हारा कोई कुछ नहीं करेगा। फिर भाई ये तो बहुत फनी था और ये रिलेटेबल भी है मेरे साथ, क्योंकि मैं भी भाई दिन भर डिस्कॉर्ड पे बैठे रहता हूँ अपने दोस्तों के साथ, ऑनलाइन दोस्तों के साथ, उनके साथ ऐसी मजे कुछ भी बात पे बहस कर रहे हैं भाई हम तो। वहाँ तू अगली बार मिल, बताता हूँ तुझे, चैन से सोएगा ना अब तू? ओके okay. तेरा लाइट ऑन कर दिया, अब ठंड में बिस्तर से उठना पड़ेगा, ले तेरा पंखा भी ऑन कर दिया अब तो। तो ऐसी किसी बात पे आर्गुमेंट चल रहा होता है तो उसी बीच न जाने मेरे okay. दिमाग में क्या आता है और मैं बोलता हूँ तुम लोग अच्छे लोग हो, हमें मिलना चाहिए। ये सुन के भैया सन्नाटा मच गया। क्या बोला तूने? आयु तुझे पता है ना ऑनलाइन दोस्त कभी मिल नहीं सकते। इनफैक्ट ऑनलाइन दोस्त जैसी तो कोई चीज ही नहीं होती, हम सब तो रोबोट है। आयु तू हमारा दोस्त हो ही नहीं सकता, हम जा रहे हैं। फिर उन लोगों ने एक दूसरे के गले में हाथ डाला और न जाने क्यों गुस्से में डोरेमोन का थीम सॉन्ग गाने लग गए, वो भी तमिल में। क्या? अब नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ था, सॉरी गाइस। कुछ महीनों से जिंदगी थोड़ी सही नहीं चल रही है इसलिए ऐसे जोक्स आ जाते हैं कभी कभार। सरप्राइजिंगली मेरे ऑनलाइन दोस्तों ने मेरी मिलने वाली बात को सीरियसली लिया और इसी तरह हमारी मुंबई टू गोवा ट्रिप प्लान होती है जो कि दिसंबर में थी। तो अब फास्ट फॉरवर्ड करते हैं सीधा दिसंबर तक, ट्रिप का टाइम। तो अब कुछ रीजन की वजह से मुझे मुंबई प्लेन की जगह ट्रेन से जाना पड़ता है। नहीं, मैं एयरपोर्ट पर फटाका लगाता हुआ नहीं पकड़ाया था, थे कुछ रीजंस, थी कि सच में थे। तो मैं रात में ट्रेन में बैठता हूँ और सुबह में मुंबई पहुंच जाता हूँ। अब जो मुंबई पहली बार आता है ना, वो ना अलग अलग चीजों को देख के चौंकता है, जैसे वड्डी वड्डी बिल्डिंग्स, वड्डे वड्डे सुपर स्टार। और इधर मैं जैसे ही मुंबई के स्टेशन पे उतरा, ओ बहन की एलिवेटर स्टेशन पे, वो भी भाई साहब उसको एस्केलेटर बोलते हैं, एलिवेटर मतलब आंखों पे भरोसा ही नहीं हो रहा है। मैंने मम्मी को फोटो खींच के भेजी, मम्मी एलिवेटर वो भी स्टेशन पे। ये तगड़ा था, मम्मी एलिवेटर वो भी स्टेशन पे। भाई साहब एस्केलेटर होता है, देखो ये हमारे स्टेशन पे नहीं होते हैं, हमें पूरा ब्रिज पैरों से चढ़ना पड़ता है। और मेरे गांव के ब्रिज पता है बादलों में होते हैं, वो ब्रिज को इतनी ऊपर होने की जरूरत भी नहीं है, उसको किसी इंजीनियर ने भी नहीं बनाया है, ये गांव के लोगों ने मस्ती मस्ती में उसको इतनी ऊपर तक बना के आ गए हैं। अब वो स्टेशन का ब्रिज ना आउटर स्पेस तक पहुंच चुका है साला, कुली लेके भी जाओगे ना तो थोड़ा ऊपर जाके तुम्हारे कुली को भी कुली करना पड़ जाएगा। भाई साहब कुली करना पड़ेगा, अरे किया तो भाई साहब कुली करना पड़ेगा, भाई किया तो है कुली तुम्हें, अरे आपको नहीं मुझे कुली करना पड़ेगा, रुको कुली। हाँ जी भैया, इन्हें ऊपर तक छोड़िया हो यार। अरे पागल हो क्या मियाँ, ऊपर तक जाना है तो स्पेस सूट किधर है तुम्हारा, और ऑक्सीजन सिलेंडर लेके आए कि नहीं? ऊपर ऑक्सीजन बहुत कम है, हम लोग क्या। ओए यार क्या ही फनी भाई, इतनी खतरनाक फनी। बहुत ऊपर खड़े हैं मियाँ, देखो यहाँ से वो माउंट एवरेस्ट भी दिखता है। देखो आज की रात तो हमें ये सीढ़ियों पे सो के गुजारनी पड़ेगी, ऊपर पता नहीं कहाँ कहाँ के खूंखार जानवर घूमते हैं। और सबसे जरूरी बात, हम लोगों के बीच में मैं सोऊंगा। मुझे मुंबई से अपने स्टेशन जाने में 10 घंटे लगते हैं और फिर अपने ही शहर के स्टेशन से घर जाने में 7.5 महीने। अब तुम बोलोगे नॉट योर टाइप, तू तो बहुत ही विलेज पीपल है। हाँ तो ठीक है, हूँ मैं, नहीं होते हमारे यहाँ पे एक्सेलरेशन। भाई उसको एस्केलेटर को आगे बढ़ाते हैं। मुंबई जाने से पहले मुझे ऐसा लगा था कि वहाँ पे सब लोग मचाएंगे, येड़े चाले सीधे चाले इस तरीके से बात करते होंगे। तो मैं भी ना फुल रेडी था, मैं स्टेशन से बाहर निकला और एक ऑटो रोका। तो सबसे पहले तो मैंने अपनी ट्रेन में खरीदी हुई 24 कैरेट आइस डायमंड चेन आगे करी। मैंने 20 रुपए में खरीदी थी, आगे अपना टाइम आएगा भी लिखा था, क्योंकि मुंबई में थे यार थोड़ी अमीरी दिखनी चाहिए। कौन है अंबानी, है किधर रहता है वो, है क्या उसके पास ये? तो ऑटो वाला पूछता है किधर जाओगे, इधर मैं फुल मुंबई के स्वैग में, क्या बोलते ऑटो वाले, चाचा अंधेरी चलोगे क्या, चलो ना मचाते ना अंधेरी में चल के। अंधेरी में तुम उजाला लेके आओ, ऑटो में क्यों बैठे हो, लैम्बोर्गिनी लाओ, ये अंधेरी में तुम आओ। भाई उसके मुंह पे उसे बीट बॉक्स कर देके थूक दिया पीयू वाली मेल खा के। क्यों चाचा, अरे भाग भाग, मादर हाय, कड़कती धूप में मुजरा दिखा रहे मेरे को।
अभी भी ज्यादा दूर नहीं गए, ऑटो से चीप सकता हूँ। हम लोग हमारे मुंबई के अपार्टमेंट आ जाते हैं, वहाँ पर थोड़ा सा रेस्ट करते हैं, क्योंकि स्टेशन से अपार्टमेंट तक तो हम भगते भगते आए थे। वो ऑटो वाला पीछे पड़ा था ना। क्यों पीछे पड़े हो हमारे, जाओ ना। नहीं मजाक कर रहा हूँ, 700 रुपए की टैक्सी करनी पड़ी थी अपार्टमेंट तक, 700 रुपए की। 700 रुपए पता भी है कितने होते हैं? 700 रुपए में पता है तुम मुंबई में क्या क्या कर सकते हो? तुम कर सकते हो 700 रुपए में, तुम 700 रुपए में वापस उसी टैक्सी में बैठ के स्टेशन जा सकते हो। भाई साहब मैंने 750 कर लिया है रेट। कितनी महंगी है मुंबई। तो अब मैं और मेरा दोस्त डैंस के, हम लोग हमारे बाकी तो दोस्त से पहले आ गए थे, तो अब हमारे पास कुछ करने के लिए नहीं था। तभी मुझे मेरी एक फीमेल फ्रेंड ने मॉल में मिलने बुला लिया, तो हम लोग जाते हैं मिलने वापस 700 लगा के। ये मुंबई में ना, तो मेरे दोस्त ने ना मुझे एक मूवी देखने बुलाया था, अवतार। मूवी में ज्यादा कुछ खास था नहीं, कुछ नीले लोग नंगे होके पानी में भाग रहे होते हैं रोबोट मशीन से बच के। ये मूवी मैंने 3D में देखी थी, ज्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ, अब बस वो नंगे लोग मेरे साइड से निकल के भाग रहे थे। हम ये जंग जीत के रहेंगे। सर वो सब तो ठीक है, वो आदमी कौन है? अरे वो हमारी मूवी देख रहा है 3D में। उसे तो मजा ही आ जाएगा जब हम सब नंगे होके उसके सामने से भागेंगे। मेरी बात सुनो सब लोग, हम लोग उसके बहुत पास से भागेंगे लेकिन उसे टच नहीं करेंगे। जिमी मैंने तो अपने हाथ भी गीले कर लिए सुसु से, जैसे ही मैं नंगा होके उसके पास से भागूंगा अपने हाथ उस पे लपलपा दूंगा, चीटों से उसे लगेगा मूवी और रियल है। मेरी जिस फ्रेंड ने मुझे मॉल में बुलाया था उस दिन उसका बर्थडे था, और मैं इधर बेशरम बेहया खाली हाथ गया था, बिल्कुल उस लेंडू बच्चे की तरह जो बर्थडे पार्टी में खाली हाथ आ जाता है। फ्री का नमकीन और केक दे दो बस उसे। तो ये बच्चा इधर मैं था, चीजें अभी इधर खत्म नहीं हुई है। उस बंदी ने फिर मुझे गिफ्ट दे दिया, चीजें अब सीरियस हो गई है। दुनिया का सबसे बड़ा क्राइम इधर, ठीक है इधर है, और फिर आता है किसी के बर्थडे पे उनसे ही गिफ्ट ले लेना इधर। पहले तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये बंदी मुझे टॉन्ट मार रही है कि सच में गिफ्ट दे रही है। मुझे उस समय इतनी ज्यादा शर्म की अनुभूति और आभास हो रहा था, मेरा मन कर रहा था उठ के भाग जाऊं वहां से। मस्त है भाई, फनी। कहां गया भाई? अरे वो अरे वो बाहर बहुत गर्मी है ना, इसलिए मेरा फेवरेट फ्राइड्स फ्राइड्स मिल रहा है, और पेरी पेरी फ्राइड्स भी मेरे फेवरेट है। देखो अगर उस टाइम मैं चाहता तो अपने पीछे वाले जेब से बटवा निकाल के 1.50 का करारा नोट और 1 रुपया लगा के बड्डा लिफाफा बना के उसे दे देता, लेकिन मैं कोई 80 साल का दादाजी नहीं हूँ और वो भी मेरी पोती नहीं है, तो अब मैं कुछ कर नहीं सकता था, इसलिए मैंने बेशर्म की तरह उसका गिफ्ट ले लिया और कमियां भी निकाल रहा हूँ। घड़ी तो अच्छी लाई हो तुम, लेकिन फास्ट ट्रैक की लाती तो अच्छी है घड़ी। एक तो गिफ्ट नहीं दिया, ऊपर से दूसरे ने दिया तो उसको बोला फास्ट टैग लाओ। इस ट्रिप पर ना हमारे बहुत ज्यादा पैसे खर्च हो गए थे, इतने कि मैं अपने बेसमेंट वाले बच्चों को खाना तक नहीं खिला पा रहा हूँ। चुप रहो, मैंने कहा ना नहीं मिलेगा खाना। आज तक मेरे बाकी दोस्त भी आ गए थे, तो फिर हमने मुंबई की फेमस जगह, अरे वहीं जहाँ सब लोग जाते हैं घूमने के लिए, वहाँ घूमना स्टार्ट कर दिया। लेकिन जब तुम तुम्हारे दोस्तों के साथ रहते हो तुम्हारे दिमाग में मस्ती रहती है, तो एक मॉल में हमें एक सांड वाला झूला दिखता है। अब उसे देख के एक 21 साल का मैच्योर आदमी क्या करता, पापा बहुत बीमार है, बहन की भी शादी करवानी है, मुझे लगता है सांडू मैं तुम पे घूमी घूमी करने के लिए थोड़ा बड़ा हो चुका हूँ। लेकिन मेरे 21 साल के दोस्त ने क्या किया, घूमी घूमी। अब यहाँ एक सांड को दूसरे सांड पे चढ़ता हुआ देख हमें भी मस्ती छूटी, हम भी भाग के वो झूले के पास। भैया और तेज चलाओ, भैया और तेज, भैया और चलाओ तेज। मैं मुंबई में अग्रिप्राश्य भी मिला था, उन्होंने मुझे अपनी बिल्ली से खेलने दिया था और अपना मास्क भी पहनने दिया था। अच्छा चलो मास्क मैंने बिना पूछे पहन लिया था, कैमरा फुटेज में तो आ ही गया हूँ मैं। वहाँ पर अपने मैनेजर सौरभ भैया से भी मिला था, हम लोग मुंबई में लास्ट में जुहू बीच पर गए थे। वहाँ पर सब कुछ बढ़िया था, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी, सब कुछ बढ़िया था, लेकिन फिर आसमान में कहीं से उड़ने वाली बंदर प्रजाति छा गई। ये बंदर प्रजाति फुग्गे की बनी थी। मेरा नाम है बुबली बंदर, मैं इंसानियत पे कब्जा करने आया हूँ, तो चुपचाप अपने घुटने निकल गया। है दोस्त क्या तुम प्लीज मेरी बुंड में हवा भर सकते हो, मुझे तुम्हारी दुनिया पे कब्जा करना है प्लीज। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। कमलेश, कमलेश। हाँ मैंने सुन लिया था पहली बार में। कमलेश मैं जानती हूँ हम दोनों ज्यादा क्लोज नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं तुम एक बंदर के साथ संबंध बना लोगे। मैं जा रही हूँ। कमलेश जाने दो उसे, फनी भाई फनी, उससे भी ज्यादा चीजें दे सकता हूँ। मुंबई के बाद हम लोग निकलते हैं गोवा के लिए। गोवा काफी चिल जगह थी, मैं वहाँ पर काला भी हो गया था दिन भर बीच पर धूप में भटकने के कारण। सच में वहाँ पर धूप तो बहुत ही ज्यादा थी, मतलब इतनी ज्यादा कि जमीन के अंदर से लोग बाहर आ रहे थे या अंदर जा रहे थे। तो मुझे बताया गया ये क्या हो रहा है यहाँ पे। गोवा में तुम ऐसे बीच पे राइड्स वगैरह कर सकते हो जैसे जेट्स की, इसमें ना तुम्हें आगे टंकी पे बिठा लेंगे बच्चे की तरह और पानी का एक चक्कर काट के वापस ले आएंगे।
चलो ना। अरे हो गया भैया, अरे हम तो किनारे से ही वापस आ गए। इसके बाद आती है कुछ जानलेवा राइड्स, डेंजर राइड्स, जिसमें तुम्हें बोट से समुंदर के बीचों बीच ले जाएंगे और पतंगा बना के उड़ा देंगे। एक और चीज रहती है, जब तुम समुंदर के बीचों बीच पहुंचते हो ना, तो वो बोट वाला तुमसे पूछते है कि तुम्हें पानी में जाना है क्या, तो अब यहाँ पे जिसको तैरना नहीं आता है वो तो कुछ नहीं बोलेगा। लेकिन उस समय मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चल रहा था कि मुझे पूरे गोवा के एक्सपीरियंस लेने हैं। मुझे तैरना नहीं आता है, मैं उतर गया समुंदर में। शुरुआत के पौने 3 सेकंड तो कुछ भी नहीं हुआ, फिर पानी मुझे नीचे खींचने लगता है। ये तो कुछ भी नहीं, अब मैं बोट से भी दूर जा रहा हूँ धीरे धीरे। भैया 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 घंटा नहीं सुन रहा मेरी बात, मेरी इधर फटी पड़ी है, मैं कुछ भी चिल्ला रहा हूँ पानी में। भैया बीमारी है मुझे, ले लो ऊपर, मां बनने आ रहा हूँ। उस समय कोई दूर से शार्क वार्क भी देख रहा होता ना, तो उसे भी दया आ जाती। ओए बच्चे को क्यों परेशान कर रहे हो बे, चलो ऊपर लो इसको, खा लूंगा वरना इसे। चलो बेटा ऊपर चढ़ो तो। ओके चलो चलो। जैसे तैसे वो बोट वाले ने मेरे को ऊपर लिया। अरे भैया क्या बच्चे ऐसे चिल्ला रहे थे, स्विमिंग सिखा रहे थे तुमको। अच्छा समुंदर में वो भी, तेरे को ड्राइविंग सिखाने का बोलता तो तू तो रॉकेट में बिठा देता मेरे को। सबने ना मेरा बहुत मजाक उड़ाया कि पानी में गया बच्चों जैसा रो रहा था। लेकिन वो कहते हैं ना सबका टाइम आता है, हम लोग ना उसके बाद एक बनाना राइड पे जाते हैं, जिसपे तुम्हें एक बनाना शेप चीज पे बिठाते हैं और उसे नाव से खींचते हैं और बीच समुंदर में ले जाके फेंक देते हैं। तुम्हें पहले नहीं बताएंगे कि तुम्हें फेंकने वाले हैं। उसने हम सबको लेके गया और फेंक दिया, अब सब मुझसे भी गंदे रो रहे हैं पानी में। पीछे लाइफ गार्ड आ रहा है। ऐसी राइड मुझे नहीं करनी। अरे भैया इतनी दूर जाओगे तो सच में मर जाओगे। मेरे पास क्लिप पड़ी इधर सबकी रोते हुए, मैं लगा दूंगा। मैं तो करना करना। अरे कुछ नहीं होता, नहीं करना, मरना क्या ब्रो, मरना है क्या? आई होप ये वीडियो तुम्हें पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट हो सना, तुम्हारी कुछ ऐसी ट्रिप अगर हुई होगी तो शेयर कर देना भाई, पढ़ लूँगा मैं तुम्हारी ट्रिप, जरूर पढ़ूंगा तुम्हारी ट्रिप। अगर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ छोटा मोटा इंसिडेंट हुआ हो वो सब बस शेयर कर देना, वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। जगह भाई के चैनल को सब्सक्राइब करो।